वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने न्यू चैनल पर एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और उसमें सबका यही कहना था बिकॉज मैंने हेयर से रिलेटेड कुछ वीडियो डाला था, लेकिन एक चीज़ मेंशन नहीं की थी। लेकिन उसके लिए इतने क्वेश्चंस आए आप सबके इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मेल पे, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कि सुगम आपने शैम्पू और कंडीशनर कौन सा यूज़ किया वो आपने मुझे नहीं बताया। तो फ्रेंड्स मैं बताऊं कि इस शैम्पू को यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी अच्छा, इवन आज जो ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज उस वीडियो को 3 से 4 दिन हो गए हैं शूट करे हुए, 3 to 4 डेज़ बाद भी अभी भी मेरे हेयर ऐसे हैं कि मैं कहीं भी खोल के जा सकती हूँ, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं। और मैं तो वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के सामने, तो मुझे मतलब दोबारा इतना ज़्यादा बाउंसी हेयर को करता है, रखता है, इतना ज़्यादा शाइन करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और सबसे अच्छी बात है कि काफ़ी अच्छे और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और आप सबको पता होगा, आई डोंट नो पता है कि नहीं पता है, लेकिन ये स्पेशली गोट मिल्क से बना हुआ है, मेथी के दानों से बना हुआ है और इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और हेयर टेक्सचर तो ऐसा है कि आप देख सकते हैं 3 to 4 डेज हो चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद भी मैं वीडियो शूट करने के लिए मेरे बाल रेडी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अपने बालों को बाउंसी रखने के लिए रोज जो है शैम्पू करना है। और इसमें बहुत ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके हेयर को काफ़ी थिक करेंगी, काफ़ी मजबूत करेंगी और मैं बोलूं तो काफ़ी बाउंसी। आप सब ने सुना होगा कि हमें अपनी स्किन को क्लीन रखने के लिए, क्लियर रखने के लिए और काफ़ी ग्लो रखने के लिए हमें अपने स्किन पे स्क्रब करना होता है। सेम उसी तरह हमें अपने जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारे स्कैल्प है, उसे भी स्क्रबिंग की बहुत ज़रूरत होती है। और ये जो शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ, जो शैम्पू और कंडीशनर, स्पेशली मेरे स्कैल्प पे ये स्क्रबिंग का काम करता है। AHA है जो नेचुरली आपके जो स्कैल्प है उसे स्क्रब करता है, क्लिंस करता है, तो इस वजह से ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये करता है। सेकेंड चीज़, इसमें गोट मिल्क है। स्पेशली गोट मिल्क क्या करता है वो सारी खूबियाँ मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ। ये हमारे स्कैल्प के पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से हेयर्स काफ़ी बाउंसी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हैं। तो इसीलिए मेरा इस शैम्पू एंड कंडीशनर का यूज़ करने का मेन मेरा जो मकसद था वो यही था कि मेरे हेयर्स काफ़ी बाउंसी रहे, मुझे रोज़ रोज जो है शैम्पू ना करना पड़े, बिकॉज हम जितना ज़्यादा शैम्पू और ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, मतलब दे हफ्ते में 2 to 3 बार इट्स ओके मैं करती हूँ, लेकिन मुझे रोज़ वीडियो शूट करने होते हैं तो जिसकी वजह से मैं रोज़ नहीं कर सकती हूँ शैम्पू। कुछ डेज़ की बात भी होती है जिस डेज़ में, जैसे कि सैटरडे हो गया, थर्सडे हम हेयर वॉश नहीं करते हैं, लेकिन मुझे वीडियो तो रोज़ शूट करना पड़ता है। इसीलिए इस शैम्पू का मेरा जो यूज़ करने का मेन मकसद था वो यही था कि मेरे डेली बेसिस पे मेरे बाल ऐसे रहें कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ। मुझे मेकअप शूट्स करने होते हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें शूट करनी होती है, इसी वजह से मैंने न्यूड का ये गोट मिल्क इन्फ्यूज जो है वो शैम्पू और कंडीशनर चुना। सारी खूबियाँ मैं आपको बताऊंगी और ये नेचुरली है। इसमें मेथी के दाने का भी जो है मैं बोलूँ है इन्फ्यूज़ है, जिसकी वजह से इसकी खूबियों को और बढ़ा देता है। तो चलिए दिखाती हूँ इसका प्राइस, इसकी पैकेजिंग, और पैकेजिंग तो ऑसम है बिकॉज मैं जब आगरा गई थी तब भी मैंने वहाँ पर भी मैं शैम्पू लेके गई थी और आप लोगों ने मेरे बालों की काफ़ी तारीफ की थी जब मैंने इंस्टाग्राम पे एक जो है रील पोस्ट की थी। तो और बहुत से लोगों ने तो बोला था कि सुगम क्या आपने एक्सटेंशन लगाए हैं। जी नहीं, मैंने एक्सटेंशन अभी भी नहीं लगाए हैं। ये देखिए, ये मेरे नेचुरली हेयर हैं और आप सबको भी पता है जब मैंने जो है स्मूथनिंग कराई थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो आफ्टर स्मूथनिंग भी मेरे हेयर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज मैं ये शैम्पू यूज़ करती रही हूँ और ऑयल्स यूज़ करती रही हूँ। उसका वीडियो ऑलरेडी मैं अपने न्यू चैनल पर डाल चुकी हूँ, सुगम ब्यूटी जोन, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो चलिए इसका रेट बताती हूँ क्या है, कैसे हो, और इसकी कुछ खूबियाँ और मैंशन करती हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड, दिस इज़ द न्यूड कंडीशनर एंड दिस इज़ द शैम्पू। तो गोट मिल्क इन्फ्यूज़ मैं इसलिए भी आपको बार बार बता रही हूँ कि इसमें गोट मिल्क है, और ये इसलिए भी बता रही हूँ बिकॉज़ यही एक ऐसा इसमें
कंटेंट है जिसकी वजह से हेयर्स काफ़ी बाउंसी होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो गोट मिल्क में फैट जो है ग्लोबल्स होते हैं जिसके प्रेजेंटेशन में हमारे स्कैल्प को नरिशमेंट मिलता है, और हमारे जो हेयर्स के मतलब ये हमारे सारे बायोबिलिटी और न्यूट्रिशंस को मेंटेन करता है जिसकी वजह से हेयर इतने बाउंसी होते हैं, शाइनी होते हैं। तो यही मैं बोल रही थी कि यही इसका एक रीज़न है, दैट्स वाई मैंने इसे चूज़ किया। और अभी मैं आपको इसकी पैकिंग भी दिखाऊंगी कि पैकिंग काफ़ी अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली है और काफ़ी अच्छा है, और रेट की बात भी मैं बताऊंगी। तो चले इसके और रिव्यू मैं दिखाती हूँ और आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ। दिस इज़ द मैं आपको पैकिंग जो दिखा रही थी ये सेम पैकिंग है कंडीशनर एंड शैम्पू की। तो ये है शैम्पू, दिस इज़ द पैकिंग, और ये जो मैं ट्रैवल फ्रेंडली बोल रही थी वो ये बैग है। तो इस तरह से आप इसे रख के कहीं भी जा सकते हैं बिकॉज ये पॉलीथिन का है, तो वैसे तो गिरेगा नहीं, इन केस अगर गिरता भी है तो आपके कपड़ों पे नहीं जाएगा। और सारी गाइड भी दी हुई है इसमें, सेम इसी तरह आपको शैम्पू की भी पैकेजिंग मिलेगी, ये मिलेगा और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो प्राइस मैं आपको पहले फटाक से बता दूं, देन उसके कुछ और मैं पॉइंट्स हाईलाइट करूँगी। सो 610 का जो है वो कंडीशनर है, और आई थिंक ऐसे ही और 640 का आपको शैम्पू पड़ेगी। तो गोट मिल्क की जो मैं बात कर रही थी वो मैं यही कर रही थी कि गोट मिल्क में जो है फ्लैट ग्लोबल्स प्रेजेंटेशन की वजह से ये नरिशमेंट देता है आपकी स्कैल्प को, और हेयर स्टैंड एंड मेंटेन बायोअवेलेबिलिटी और न्यूट्रिशंस, तो जिसकी वजह से ये हमारे हेयर्स को काफ़ी बाउंसी रखता है। और इस प्रोडक्ट में जो है मैं जैसा बोल रही थी ये पैराबिन फ्री है, SLS और LSES फ्री भी है, जिसकी वजह से मैं बोलती हूँ कि नेचुरल चीज़ों को मैं प्रेफरेंस देती हूँ। तो मेरा मतलब जो यूज़ करने का रीज़न वो यही है, और मैं आपको भी इसीलिए बता रही हूँ कि आप भी इसे यूज़ करिए। तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चेकआउट कर लीजिएगा और मुझे इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है बींग ब्यूटीफुल सुगम, जो मेरे चैनल का नाम है। तो एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, और हेयर्स में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको अपने बाउंसी हेयर चाहिए, तो आप इसे एक बार परचेज़ करके लगा के देखिए, आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा आप रिलैक्स भी फील करोगे। सो फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को इस शैम्पू और इस कंडीशनर के बेनिफिट्स बता सकूं, बिकॉज गोट मिल्क है जो इसका मैं बोलूं सबसे मेन पॉइंट है, और पैराबिन फ्री है जो सबसे मेन है, जो हमारी बालों को काफ़ी नुकसान करता है, और मोस्टली शैम्पू में ये होता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को बाउंसी रखता है, और बहुत मैं बोलूं तो मेरे बालों को भी काफ़ी हेल्दी रखता है, आप देख सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, बिकॉज आप लोग बार बार कहते हैं कि सुगम आप लिंक डालना भूल जाते हैं। जी हाँ, जब जो मैंने नोनी जूस का भी आई थिंक वीडियो शेयर किया था उसमें भी मैं लिंक डालना भूल जाती हूँ, बिकॉज ये सारे स्पॉन्सर वीडियो नहीं होते हैं, इसीलिए स्पॉन्सर वीडियो होते हैं तो हमें ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कंपनी की तरफ से प्रेशर होता है, तो इट्स नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो। लेकिन लिंक मैं नीचे दे दूँगी बिकॉज आपकी कोई भी शिकायत ना आए मेरे पास। तो वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, मेरा चैनल आपको इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।